सभी प्रियजनों को राधे राधे। पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जब आप पितरों का जो है अंतिम श्राद्ध करें अमावस्या के दिन, तो उस दिन शाम के समय अपने घर पर एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें चार वाती रखें और संध्या के समय उस दीपक को जो है अपने मुख्य दरवाजे के दक्षिण तरफ अवश्य उसे रखना चाहिए, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, साल भर आपके घर पर मांगलिक कार्य होते रहेंगे। क्योंकि पितृ अमावस्या के दिन हम उन सभी पितरों का श्राद्ध कर पाते जिनकी हमें तिथियां मालूम भी नहीं हो पाती, तो अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए आटे का दीपक अवश्य रखें। कई लोगों का ये कहना रहता है कि महाराज जी हमने गया जी में जा करके पिंड दान कर दिए, तो अब हम पानी ना दें, श्राद्ध ना करें। तो देखिए, पितरों से जो है, पितरों के ऋण से आप मुक्त नहीं हो पाते, पितर हमारे देवता बन जाते हैं, इसलिए यदि आप 15 दिन उन्हें पूजन ना करेंगे तब भी वह आएंगे, और यदि आप जब वो आएंगे और आप उनका सत्कार नहीं कर पाएंगे तो वह जो है रुष्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपके घर पर मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। प्रसन्नता के लिए हम सभी को पितरों का जो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन बड़ी प्रसन्नता से पितरों को विदा करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ उन्हें विदा करें। राधे राधे।